हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है, जो कि फाइनली जो नेशनल और स्टेट लेवल के जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, बीपीएसएससी बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट सब कमीशन के द्वारा जो एग्ज़ाम ली गई थी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा जो बिहार दरोगा मेंस का जो एग्ज़ाम लिया गया था, और आप लोगों ने देखा था कि एक लड़के का एडमिट कार्ड भी वायरल हो रहा था, और भी बहुत सारे क्यूरीज थे जो बार बार, लेकिन मैं आयोग से सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी एज ए प्रूफ, प्रूफ जब तक ना हो तब तक सब कुछ एक तरफ और आपका जो भी प्रोडक्शन है वो एक तरफ हो जाता है। मैं भी अपने बार बार लोग पूछते हैं कि कब कब कब, मैं भी क्या कहता हूँ, एक आश्वासन देता हूँ, मैं भी एक एक्सपेक्टेशन देता हूँ कि इतने दिन के अंदर इतने तारीख को ये चीज़ पब्लिश हो। मैं कभी ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करता कि आयोग इसके लिए जिम्मेदार है या ये है वो है। हाँ, थोड़ा सा ढीला सिली होता है, तो फाइनली आयोग उसी के लिए जवाब मांग रहा है। मैं आयोग से सहमत हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि आयोग भी थोड़ा सा 1% 2% इसके लिए, मतलब जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर है जो कि बाहर नहीं आना चाहिए, जो सबमिट हो जाता है उसका जेरोक्स पेपर बाहर मार्केट में 1 या 1.5-2 घंटे में अवेलेबल हो जाता है। ये तो एक बहुत बड़ा एक कमी है, मतलब कि ये सेंटर का कमी है या आयोग जानबूझ के उस सेंटर जिस मोबाइल से या जिस भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ये पब्लिश हो रहा है उसके आईपी एड्रेस को ट्रैक करके उस पर कार्रवाई करें। ये मैं आयोग से गुजारिश करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा एक रूट कॉज है जिसके तहत ये जितना भी अफवाह फैले जा रहा है, जो इतने लोग छात्र नेता बन पा रहे हैं या जो कुछ भी है, और एक पटरी से एक ट्रैक से जो लाइफ में चल रहा है उससे भ्रमित किया जा रहा है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कुछ आपको ऐसा मोटिवेशन या कुछ ऐसा करने नहीं है, मैं आपको एक ऑफिशियल अपडेट देने आया हूँ जो इसी के संदर्भ में है। तो आइए देखते हैं क्या है वो, लेकिन आप इन सब भ्रामक अफवाहों से बचें। संयोग या सेटिंग या ठीक है, अच्छी बात है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिल पा रहा है आयोग को। आयोग उसे मिलता तो ज़रूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करता, या तो लोग दे नहीं पा रहे हैं, या तो बयानबाजी हो रही है, या तो सोशल मीडिया, या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या यूट्यूब जो भी हो, उसके तहत आयोग के पास खबर नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि आयोग इतने बड़े लेवल पे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसे कह रहा है, ऐसे नहीं कह रहा है, बहुत कुछ सोच समझ के कह रहा है। तो क्या है, देखिए सब्जेक्ट में क्या है, विषय में समाचार पत्र दैनिक भास्कर के दैनिक दिनांक 18 जनवरी 2021 के अंक में प्रकाशित समाचार संयोग या सेटिंग के संबंध में, जो कि दैनिक भास्कर पेपर को लेके, तो इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग देखेंगे क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिंदा जीएस फोरम YPC के तहत अन अकेडमी से एसोसिएट है, तो आप लोग इन सब भ्रामक अफवाहों से बचें और अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, मजबूती प्रदान करें और अपनी तैयारी में लगे रहें, इन सब अफवाहों से दूर रहें, एक्सपेक्टेशन को जाने कि ये चीज़ हो सकता है, ये इतने तारीख को हो जाएगा, क्योंकि इससे आपको आपका क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, आप और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए रणनीति बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है अनअकैडमी कुछ विषय, फिर उसके बाद डिटेल में आपको यहाँ पे एक एक चीज़ को क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड्स, अनअकैडमी BPSC के साथ और वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करा रहा है। आप अनअकैडमी या किसी और भी
जहाँ पे भी आपको, लेकिन मैं अनअकैडमी को इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक साथ बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी आराम से कर सकते हैं, और इंडिया और क्या बिहार के टॉप एडुकेटर के द्वारा आपको यहाँ बीपीएससी की तैयारी कराई जाती है। आइए देखते हैं क्या है। यहाँ फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, फ्री बिहार एसआई का प्रीलिम्स मॉक टेस्ट मिलेगा एवरी सैटरडे को 11 AM पे, ठीक है। तो यूज कीजिए बिंदा कोड और इससे अवेल कर सकते हैं 10% डिस्काउंट जो भी आप टेस्ट ले रहे हैं परचेज कर रहे हैं। एवरी संडे को आपका बीपीएससी जो अपकमिंग 67th बीपीएससी, उसके लिए 11:30 बजे ये बैच है, ठीक है। सेम प्रोसेस है इसके लिए भी। ये बीपीएससी का करंट अफेयर्स का सेशन है जो डेली प्रैक्टिस सेशन है, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में, मंडे टू सैटरडे 7 PM, और एनालिसिस कराया जाएगा 7:30 पे। अट्रैक्टिव प्राइज है जो आप लोग पा सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज। फ्री बैच कोर्स है जो आप लोग इजी वे कर सकते हैं। ये 1 डे का मिनी कोर्स है, ये बीपीएससी का 3 डे का करंट अफेयर्स मैराथन। ये फ्री और प्लस में कुछ डिफरेंस है जो आप लोग देखिए, प्लस में ही आपको ज़्यादा बेनिफिट। कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट है, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स में, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन का यूज कर सकते हैं बिंदा 10, और किसी भी कोर्स को जब परचेज करते हो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको 28 फैब के मतलब 28 फैब के तक ही इसे प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद आपका ये डिस्काउंट कम हो जाएगा। ये प्लस फीचर्स के कुछ बेनिफिट्स है, फेवरेट एडुकेटर, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन समय पे, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, फ्री टेस्ट सीरीज होगा, वीकली फ्री मॉक टेस्ट है। ये भी बहुत सारे फीचर्स है। आप लोग की कोई सा भी कोर्स जब परचेज कर रहे हैं तो बिंदा 10 रेफरल कोड यूज़ कीजिए और 10% का इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 28 फरवरी तक। 1 मार्च से ये आपको यहाँ पे 5% का ही डिस्काउंट मिलेगा। ये बैच कोर्स है आपके विजय बीपीएससी है, ठीक है। ये मिशन बीपीएससी है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये मिनी कोर्स है जो बीपीएससी के लिए स्ट्रक्चर्ड है। ये इंडिया के बेस्ट एडुकेटर जो बीपीएससी की तैयारी कराएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कोई सा भी कोर्स आप जब परचेज कर रहे हैं या कोई सा भी फ्री वीडियोज देख रहे हैं तो बिंदा 10 रेफरल कोड यूज़ करते ही आपका वो अनलॉक हो जाएगा और फ्री एक्सेस कर सकते हैं। और 10% का डिस्काउंट आप जब भी कोई कोर्स परचेज कर रहे हैं या कोई टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। आइए अब हम लोग देखते हैं डिटेल में क्या है वो खबर जो बिहार दरोगा मेंस और भी वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही बड़ा सबक को लेके है। तो आइए देखते हैं क्या ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो इसमें साफ साफ ये संपादक को जो एडिटर है जो दैनिक भास्कर के, उनको ये साफ साफ पटना संस्करण को लिखा गया है जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि 9-2 को आपसे संज्ञान मांगा गया था लेकिन आपने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई प्रूफ भी आपने नहीं दिया और ना आपने समाचार पत्र में खंडन किया, मतलब कि इसके लिए आप लोग अपना कोई आप अपना जस्टिफिकेशन दिए। साफ साफ ये भी कहा गया कि आपके द्वारा बताया गया कि आप ना तो आयोग के पत्र का उत्तर देंगे और ना ही समाचार का खंडन अपने समाचार दैनिक भास्कर में करेंगे। तो ये दैनिक भास्कर के एडिटर है, चीफ एडिटर ने ये चीज़ कहा। क्यों? क्योंकि कुछ हद तक मैं इनके साथ भी सहमत हूँ क्योंकि जब ये लोग जवाब देंगे, ठीक है, लेकिन जो फोर्थ पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का वो है मीडिया, ठीक है। तो शायद इस चक्कर में वो लोग ना दे रहे हों, ठीक है। आगे इस वार्ता में इसके बिना किसी प्रमाण के प्रकाशित किया है बहुत एक बहाली, मतलब कि आयोग साफ साफ ये आश्वस्त करे कि बहाली एक संवेदनशील मुद्दा है। तो मैं फिर भी आयोग से थोड़ा सा सॉरी कहूँगा लेकिन पूछूँगा ये कि आखिर कैसे क्वेश्चंस सील पैक होने के बाद आफ्टर एग्जामिनेशन बाहर मार्केट में 1 से 2 घंटे के बाद चला जा रहा है, क्या उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती? अगर वो चीज़ बंद हो जाए तो सारा चीज़ बंद हो सकता है। ये मैं आयोग से यही गुजारिश करना चाहूँगा, ठीक है। बाद में ये भी यहाँ पर कहा गया कि बहुत सारे सोशल मीडिया यूट्यूब पर छोटे छोटे तथाकथित समाचार चैनल के सदन दारोगा बहाली में धांधली को लगातार समाचार बनाया जा रहा है जिनके लिए इनके पास कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि ये धांधली की बात तो करते हैं लेकिन कोई प्रमाण नहीं। ये तो मैं भी इससे असमझ हूँ क्योंकि बार बार ये चीज़ कहा जा रहा है, इसके जो नेता जो लोग बन रहे हैं वो लोग भी प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं या उनके प्रूफ को वहाँ तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। ये मैं इससे भली भांति आश्वस्त हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। मुझे भी बहुत दुख होता है कि और ठीक है मैं कहीं ना कहीं इंगेज हूँ, कहीं ना कहीं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन इससे मुझे भी थोड़ा आताहत होती है कि ऐसा हो तो शायद ये चीज़ बंद हो जाए और जो एक त्रुटि है उसको भरने की कोशिश करे आयोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो आयोग साफ साफ यहाँ पे उस दैनिक भास्कर जगह जो पटना संस्करण वहाँ के एडिटर
जो है वो उनसे जवाब मांगा है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि आगे मतलब कि ऐसा जो प्रमाण ना हो तो ऐसी खबर को पेपर में ना उजागर करें, ठीक है। ये विशेष कार्य पदाधिकारी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के, ठीक है, उनको। और साथ में ये जो प्रतिलिपि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये ये अटैच किया गया अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार पटना के, पटना को भी। मतलब कि ये होम मिनिस्ट्री जो होम डिपार्टमेंट होता है किसी भी स्टेट का, या किसी भी होम डिपार्टमेंट जैसे स्टेट का हो गया बिहार में है, पटना में, तो उनको अगर सेंट्रल में होता है तो दिल्ली को। तो ये सब क्या होते हैं, पुलिस से पुलिस जो सर्विस है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक बहुत बड़ा अपडेट था, मैं सोचा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत लंबा चौड़ा हो गया, लेकिन मैं इस तरीके से कोई आपको यूट्यूब पे आके अपने प्लेटफॉर्म पे आके ऐसे नहीं एलेबोरेट करेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे चैनल से जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। बेस्ट ऑफ बेस्ट फॉर लक फॉर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।